लालगंज के कोतवाली में। यहाँ पर उपस्थित हैं इस कोतवाल के प्रभारी धीरेंद्र प्रताप कुशवाहा जी। हम बात करते हैं कि आखिर बीता जो वर्ष है 2017, क्योंकि नव वर्ष का आगमन 2 दिन बाद हो जाएगा, इस बीते वर्ष में क्या चुनौतियाँ रहीं और उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए क्या संघर्ष रहा इनका। हम बात करते हैं धीरेंद्र प्रताप कुशवाहा जी से। धीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। एक क्या कारण रहा कि पीछे जो वर्ष बीता उसमें क्या चुनौतियां रहीं आपके सामने और चुनौतियों को कैसे, एक अनुभव जरा बताइए, कैसे आपने उन चुनौतियों को खदेड़ा और उनको आप उनका सामना करते हुए अपराध मुक्त माहौल बनाने में प्रयासरत रहे। लालगंज कस्बे में पहली समस्या यहाँ ट्रैफिक की है। ट्रैफिक चूँकि शहर लखनऊ में नो एंट्री रहती है और इधर सुल्तानपुर फैजाबाद जाने वाले सारे ट्रैफिक कस्बा मोहन लालगंज होकर जाते हैं और यहाँ क्रॉसिंग बंद रहती है, जिससे जाम की चपेट में होता है। इस संबंध में करके बाईपास पे कटिंग करवाई और कटिंग करवा करके ट्रैफिक का डाइवर्जन, जिसके कारण दिन भर डाइवर्जन रहता है कस्बे में लगभग उस पर सफलता मिली, जो संभव था उस पर कार्रवाई की गई। दूसरी चुनौती है अपराध की और नई सरकार में खुलकर काम करने का मौका मिला, जिसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई संकोच की भावना नहीं होती है, ना उसमें सिफारिश होती है, जिसके कारण आप मुकदमे लिखने के लिए आज़ाद होते हैं और कार्रवाई करने के लिए आपको पर्याप्त तो बल मिलता है। और हमारे लखनऊ के SSP साहब इसको बहुत प्रश्रय देते हैं, हर कार्रवाई को निर्भीकता पूर्वक करने का वो मौका देते हैं, हौसला देते हैं, ताकत देते हैं, जिसके कारण हम लोग ये कार्रवाई करने में सफल होते हैं। एक चीज़ और, आप 2018 आ रहा है, निश्चित रूप से आपकी क्या संस्था के बीच में एक अपराध मुक्त माहौल बनाने में सामंजस्य बैठ सके, उसके लिए आपके हिसाब से ये सुझाव लोगों को, आपके तरफ से कोई सुझाव कि इस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से अपराध मुक्त माहौल बनाने में आप भी कामयाब रहेंगे और वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। हम सिविल पुलिस के लोग कहे जाते हैं, हमारा पद नागरिक पुलिस का है, इसलिए जनता के लिए जनता के सहयोग से ही हमें काम करना है और अच्छे लोग जब सहयोग करते हैं तो एक अच्छा माहौल बनाने में कामयाबी मिलती है। निश्चित रूप से समाज में कुछ बुरे लोग भी हैं जो अपने लाभ के लिए पुलिस को यूज करते हैं, वो नज़दीकी हैं तो कुछ गलत काम करेंगे और पुलिस का संरक्षण उन्हें मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में खुलकर काम करने का मौका मिल रहा है, सहयोग से जनमानस में जुड़ाव महसूस, संवाद स्थापित करके, लोगों से मिल करके, सीधे संवाद करके हम जिन कामों को करते हैं निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलती है। यानी आपकी ये राय है कि बिचवानियों से बचकर सीधे आपसे या आपके जो संबंध है, जिस मुकदमे का या जिस मामले का संबंध है, उनसे सीधे बात करके की जाए तो मामला बहुत जल्दी सुलझ सकता है और अपराध मुक्त जो माहौल है उसको बनाने में आसानी होती है, शायद यही कहना है। जी बिल्कुल, मेरा मानना है और मेरे इतने करियर में करीब 12 साल से मैं इंचार्ज कर रहा हूँ, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि आपका जो भी इंचार्ज है उसका जनता से सीधे संवाद होना चाहिए। हर आपके क्षेत्र में जितने गाँव हैं, हर गांव से 2-4 आदमी आपके सीधे कांटेक्ट में होंगे तो आपको सही बात पता चलती है, सही घटना पता चलती है और निर्णय लेना आपके लिए आसानी होती है और गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना भी आसान होता है। अन्यथा अगर आप किसी माध्यम से काम करते हैं तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी पक्ष से लोग नाजायज लाभ लेके आपको गलत सूचनाएं देते हैं और आप उसमें गलत फीडिंग के कारण गलत कार्रवाइयां हो जाती हैं, जिसका समाज में गलत संदेश जाता है और विवाद बढ़ता है। 9 वर्ष सामने, कोई आपकी तरफ संदेश जी? बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत बधाई और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले वर्ष के लिए खिल के काम करें, तरक्की करें और पुलिस समाज के लिए ही है। मेरा ये मानना है कि लोग पुलिस को यूज ना करें, ये कि नहीं कि पुलिस हमारे लाभ के लिए है या पुलिस से लोग सिर्फ अपना लाभ चाहते हैं, हर काम में पुलिस को वहां तक यूज करते हैं जहां उनका लाभ है। जहां वो गलत हैं वो चाहते हैं पुलिस उनकी मदद करे और जहां वो पीड़ित हैं वहां वो चाहते हैं कि पुलिस उसका गला काट दे। तो पुलिस न्याय के लिए है, किसी का पक्ष दोहन करने के लिए नहीं है। हम हर किसी की मदद के लिए हैं, हर किसी पीड़ित की सहायता के लिए हैं, हर किसी गरीब की मदद के लिए हैं, हम उसको हमेशा इस हौसले के साथ काम करना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं बातचीत में एक बात तो साफ निकली
कि धीरेन्द्र जी का कहना है कि सामंजस्य की भावना जनता की तरफ से ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सिविल पुलिस है और सिविल पुलिस सोशल के साथ में कानून को साथ में लेते हुए संविधान को याद करते हुए काम करना चाहती है, लेकिन उसके लिए जनता का साथ बहुत जरूरी है। कौन सही और कौन गलत इसका आकलन भी जनता करे और सही को सही तक पहुँचाए और गलत को गलत तक, इसके लिए जनता का साथ चाहिए। खैर आज के लिए इतना ही। कैमरामैन उदेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़।